हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आजकल हम लोग चूल्हे में काफ़ी रेसिपी बना रहे हैं, और आज देख रहा हूँ मैं सुबह, हाँ, चूल्हा आज भी जल रहा है। क्या बन रहा है आज स्पेशल? और यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ये है वेजिटेबल्स, है ना, बीन्स है, गोभी है, और शिमला मिर्च, गाजर और आलू। और ये तो कुकर लग रहा है, और ये चूल्हा जला हुआ है। तो क्या बन रहा है आज? आज हमने सोचा है अपना टैलेंट दिखाया, तो आज ओके। तो यानी कि 3 दिन से मैं अपना टैलेंट दिखा रहा था, और आज तो मैं लगा कि चलो आज हमने कहा चलो आज हम खिला दें। सही है, सही है, सही। तो क्या बना रहे हो आज? वेजिटेबल्स तो बहुत सारी रखी हुई है यहाँ पर। आज बच्चों की पसंद का बनेगा पाव भाजी। पाव भाजी, वाओ, पाव भाजी। दिन का खाना पाव भाजी। अच्छा, तो भाजी तो ये है, और पाव, पाव अंदर रखे हैं, हाँ, तो उसको भी गर्म करना पड़ेगा ना। चलो सही है, सही है। तो भाजी की रेसिपी आज शेयर करेंगे हमारे दो, हाँ, वोमेन इन ब्लैक, है ना। चलो स्टार्ट। और ये सबसे पहले सारी की सारी वेजिटेबल इस कुकर में डाल दी है। ये कुकर अपना चूल्हे के लिए, हाँ, चूल्हे के लिए ही है स्पेशल। 20-22 साल पुराना होगा ये। 20-22 साल पुराना, हाँ, वैसे कुकर काफी पुराना है ये, बट बहुत ही इफेक्टिव है। सीटी वगैरह अच्छी चलती है इसमें। इतना बहुत है, पहले बताते रहो। इसमें वेजिटेबल लिया, वेजिटेबल में इसमें डाल दिया कुकर में, और इसमें पानी डाल दो। बॉईल करेंगे ना पहले। अच्छा, बॉईल करोगे। ओके ओके ओके, ठीक है। वेजिटेबल लिया पूरा, इतना भर दिया, और इसमें अपना पानी डाल दिया। और आग भी खूब दमक के लग रही है ना। लकड़ियाँ तो बहुत सारी है, लकड़ियाँ अगर ख़त्म भी हो गई तो अपना स्टॉक वहाँ पर रखा हुआ है कार के पीछे, जो पेड़ है उसमें बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है लकड़ी का। और मौसम तो एज यूजुअल यहाँ का बहुत अच्छा है दिन के टाइम का। बिना मम्मी की हेल्प से नहीं होगा, क्यों? कुकर किसी उनके दही का। तो वेजिटेबल तो उबल रही है, इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, और क्या क्या डलेगा? बस अभी उबल गई है, उसके बाद इसको मैश कर देंगे हम। हाँ, बाकी हम छौंक के लिए लाए हैं इसमें प्याज, लहसुन और ये टमाटर। और अच्छा, टमाटर ग्राइंड किया हुआ है ना? हाँ, ग्राइंड करके लिया है। okay. बाकी तो हम काट लेंगे प्याज। और ये चिप्स भी डालेगा इसमें? चिप्स हम साथ में खाएंगे, ये हमारे कैमरा मैन ने मंगाया है। ये चिप्स, चलो ये चिप्स भी फरमाइश में आ गए। आज मम्मी ने खोले साग लिए है बाहर से, और खोले साग यहाँ 50 रुपए किलो हो गया। खोले साग यहाँ पता नहीं होगा, हाँ, वो पहाड़ों में, ये वैसे नदी साइड में ज्यादा होता है ये खोले साग, पानी में, पानी की जगह। तो आज इसकी पकौड़ी बनेगी और पाव भाजी। तो लहसुन प्याज छिल चुके हैं। प्याज की क्वांटिटी कितनी है? 11-12 तक जितने दिख रहे हैं, जितने दिख रहे हैं। कुछ उबालने तो नहीं डाले? नहीं। अच्छा बताओ, आज क्या बना रहे हैं हम? पता नहीं। पाव भाजी आपको अच्छी लगती है पाव भाजी? हाँ। ये अमरूद और काला नमक, हरा मसाला तो बहुत जबरदस्त है, बहुत तीखा है। Crack, and if you
ये बन गया है। तीन सीटी लग गई है इस वेजिटेबल में ना। हाँ। तीन सीटी लग गई है और बॉइल्ड हो गई है वेजिटेबल। अब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे पतीले में। आराम से, बहुत गर्म होगा। अब इस वेजिटेबल को इसी में मैश करेंगे। हाँ जी, इसमें तेल ऐड कर दिया है। तेल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया है ना। अब जीरा डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें प्याज। चूल्हे में तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, इसमें कंपेयर करें अगर गैस से। प्याज इसमें डाल दिए, अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। तो ये वेजिटेबल मैश कर रहे हैं ना। हाँ जी, इसमें सारी सब्जियां जो हमारी बॉईल हो गई थी। अच्छा, उसको मैश कर देंगे। ओके, तब तक हमारा मसाला तैयार हो गया। इसमें डालेंगे। काफी अच्छे से मैश हो गया। ये मैश है, इससे बढ़िया हो जाता है। और इसमें वेजिटेबल की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। मतलब बॉइल्ड में वेजिटेबल की खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप क्या बन रहा है? और ये बन रहा है मसाला, प्याज बन रहा है। बाकी अभी इसके ऊपर डालेंगे हम लोग जो टमाटर है, टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और बाकी ये मसाले हैं, ये पाव भाजी मसाला ही डालेंगे इसमें। MDH इसीलिए शुरुआत की थी ना मैंने, क्योंकि सुरेश को पसंद थी तो उसी ने फरमाइश की थी कि पाव भाजी खानी है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा ट्राई की जाए, रेसिपी देखी तो वो तो बहुत ईजी थी, तो फिर बनाना स्टार्ट किया। अब बनाने के बाद टेस्ट वगैरह अच्छा लगा? भाई देखो, बच्चों को पसंद आ गया तो सबको पसंद आ गया है नहीं, तो उसे तो बहुत पसंद आया। फिर तब से तो फिर ऐसा है कि बनती रहती है, बनती रहती है। सही है। एक बार आज हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं चूल्हे में, तो देखते हैं उसका टेस्ट कैसा आता है। फंक्शन था उसमें बनाई थी। हां, रक्षाबंधन में बनाई थी। हां, रक्षाबंधन में बनाई थी हमने एक टाइम। हां, रक्षाबंधन में गेस्ट लोग आए थे, मामा जी लोग आए थे, उस टाइम भी बनाई थी हमने। फिर उसमें जाता है ना, एक आइटम बनाओ, दाल चावल मत बनाओ। तो अब इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐसा पेस्ट मुझे कल नहीं मिला। ऐसा लहसुन का पेस्ट मुझे कल जब मैंने मटन पाया बनाया था उसमें नहीं मिला था। आपने बोला कि देखिए कल के खर्चा में तुम थे नहीं। तो प्याज भून चुके हैं, उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब से थोड़ा सा हम लोग घुमा रहे हैं। अब इसके बाद शायद हम टमाटर डालेंगे ना, जो ग्राइंड किए हुए। फिर मसाला पकाएंगे। नहीं, सब्जी। तो इसमें हम लोगों ने अभी टमाटर डाल दिया, टमाटर ऐड कर दिया, टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। अच्छा, इसमें मिर्च वगैरह डाली थी हमने। देखो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक आधी मिर्च डाली है। अच्छा, टमाटर के साथ थोड़ी सी डाली है, मतलब प्याज के साथ ना, अच्छे से बन गई है इसकी ग्रेवी। ये मसाला बन गया ना। मसाले में ये इसमें हमने डाला, हाँ, ये पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला और थोड़ा हल्दी और नमक और थोड़ा सा ये मिर्च, मिर्च का फ्लेक्स बना रहा था। और ये अपना मसाला बन गया, और ये मसाला एक साथ डलेगा इसमें ना। बाकी जो प्याज और टमाटर है और उनका मसाला जो है
अदरक लहसुन का, वो भी अच्छे से बन गया, पूरा अच्छे से गल गया। थोड़ा सा लगने लगा है नीचे, इसमें मसाला डाल के इसमें थोड़ा सा मिक्स करके पानी डाल देंगे। मसाला एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे वेजिटेबल्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी मैश कर दिए। भाजी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर भाजी की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, काफी हो जाती है। इसमें डालेंगे अब हम अमूल बटर। चलते चलते इसका डाल देते हैं एक स्लाइस और फिर इसमें हम पकाते रहेंगे, बटर टेस्ट आ जाएगा तो थोड़ा फ्लेवर बन जाएगा। मसाला तो एकदम बन गया है, अब इसके ऊपर हम लोग ऐड करते हैं कुछ धनिया। धनिया का रहता है कि हर डिश में चार चम्मच लगा देता है ना। खोले साग के पकोड़े के लिए, खोले साग के पकोड़े के लिए क्या क्या बना रहे हो, क्या क्या मतलब खोले साग ले लिया है और उसमें ये क्या डाला है? ये डाला बेसन, हाँ थोड़ा सूजी डालेंगे। अच्छा करारी बनाएंगे, फिर थोड़ा हरा मसाला डालेंगे। कितनी डालनी है बताना। अच्छा। ये क्या, ये सूजी है? नमक मिर्च मसाला। वैसे पकौड़ी काफी सारी बन जाएगी इससे ना, हरा मसाला और थोड़ी सी मिर्च काट के डाल दो यार, वो जो लगी हुई हमारे खेतों में। अच्छा ठीक है, और थोड़ा जीरा डाल, थोड़ा जीरा डाल देंगे इसमें। हाय हाय पानी तो इसमें रहता ही है ना, पानी से भले साथ को पानी के ऊपर ही रखते हैं। ये क्या डाल रहे हो? जीरा। जीरा और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। मिक्स करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे ढंग से। अब इसमें क्या डाल रहे हो? हल्दी, थोड़ा सा हल्दी और काला नमक, थोड़ा काला नमक और ये चिली फ्लेक्स भी रखे थे, वो भी डाल। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा डाल दो, उसमें तो तीखा है भी नहीं। हां हरा मसाला में है ना, काला नमक कितना? हां एक चम्मच डाल दो बस। ठीक है, पाव भाजी तो हम लोगों ने बना ली है, अब हम क्या बना रहे हैं? पकौड़ी, खोले साग की। खोले साग की पकौड़ी, अरे वाह। अब इसमें कढ़ाई लिया है हम लोग, तेल डाल दो, थोड़ी सी लकड़ी और लगानी पड़ेगी ताकि बस इतना काफी होगा। हाँ तो ये बन गया हमारा मसाला, अब हम इसमें बनाएंगे पकौड़ी। अरे सारी बन रही है, वाह वाह वाह, खाओगे आप? पहला निकल गया है पकौड़े का लॉट, पहला लॉट है ना, अब ये दूसरा लॉट चल रहा है, दूसरा लॉट है ये। तिल की चटनी बन रही, हाँ तिल की चटनी है अंदर बनी हुई, अभी लेकर आता हूँ उसको बाहर।
ये बन रहा है हमारा दूसरा लॉट। सिवेश आ गया है, वेलकम सिवेश। हमने खाने भी शुरू कर दिए। बहुत अच्छे पकौड़े बने हैं, बहुत ही जबरदस्त। और ये पाव जो हम अभी लेकर आए उसको अभी हम बटर के साथ सेक रहे हैं। सारा सामान हम लोग ले आए हैं छत पे और यहाँ पर हम लोग करेंगे अपना लंच। वाओ बाकी ये जो हम लोगों ने वेजिटेबल बॉईल करी थी उसको अब हम लोग मैश कर रहे हैं, है ना?